वेलकम व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे इफिशियंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा पावर प्लांट, ठीक है, सिंपल स्टीम पावर प्लांट, इसके कंपोनेंट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेनकाइन साइकिल। साथ में हम लोग रेनकाइन साइकिल को रिप्रेजेंट भी किए थे PVTS और HS डायग्राम पे। अब इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले हम फाइंड आउट करेंगे पंप वर्क और टरबाइन वर्क। तो इस दोनों में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, एक्सप्रेशन निकालेंगे टरबाइन वर्क का, ओके। लेकिन एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, साइकिल में, मतलब स्टीम पावर प्लांट का, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रेनकाइन साइकिल में हम लोग एज्यूम करेंगे जो कैरी होगा सारा प्रोसेस, वो हमारा क्या होगा, स्टडी फ्लो एनर्जी पे। तो यानी हर एक प्रोसेस के लिए हमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखना होगा। तो उसके लिए एज्यूम करना होगा क्या, कि जो स्टीम फ्लो कर रहा है पर केजी मास, ठीक है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो टरबाइन है, ठीक है, तो SFEE यानी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखने से पहले हम ये कंसिडरिंग करते हैं कि टरबाइन जो है इट्सेल्फ खुद ही, ठीक है, एक कंट्रोल वॉल्यूम है। दैट मींस जो कंट्रोल वॉल्यूम है इंक्लोज कर रहा है टरबाइन को, जिसके कारण हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरह से हम वर्क और हीट दोनों का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे बेस ऑन द किस, क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑल इक्वेशन विल बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट मास, पर यूनिट मास दैट इज पर केजी मास, 4 1 kg फ्लूइड, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे कि टरबाइन वर्क फाइंड आउट करना है। टरबाइन वर्क को डिनोट हम लोग किसे किए थे, WT से। तो आप देख रहे हो ये जो टरबाइन है, ठीक है, तो H1 इंथैल्पी की टर्म, ठीक है, H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टरबाइन वर्क प्लस हो जाएगा 0.2 पर इंथैल्पी, यानी दैट मींस HT। तो ये हो गया हमारा, हम इसे कैसे लिखेंगे, H1 इक्वल टू WT प्लस H2। फाइंड आउट क्या करना है, टरबाइन वर्क, और WT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, ठीक है। तो ये जो इंथैल्पी में 0.1 और 0.2 का, ये हम फाइंड आउट करेंगे स्टीम टेबल से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो देखेंगे कि स्टीम टेबल का यूज कैसे करते हैं। तो हम इस वीडियो में टरबाइन के बाद क्या देख रहे हैं, कंडेंसर। तो कंडेंसर में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हीट जब रिजेक्ट हो रहा है तो हम इक्वेशन क्या लिखना है, हमको यहाँ पर 2 और 3 है। तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हीट प्लस हो जाएगा इंथैल्पी एट 0.3, ठीक है। तो H2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा QR प्लस H3, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, H2 इक्वल टू QR प्लस H3। इस तरह से हम इसे क्या निकाल सकते हैं, रिजेक्टेड हीट का, ठीक है, H2 माइनस H3 एक्सप्रेशन, ठीक है। इंथैल्पी 8.2 और इंथैल्पी 8.3 यानी स्टेट हमारा है, ठीक है। ये हो गया इंट्रिंग पॉइंट ऑफ कंडेंसर, और ये एग्जिट पॉइंट ऑफ कंडेंसर पे इंथैल्पी, और ये इंट्रिंग, ठीक है। तो ये जो भी आप निकालोगे तो प्रेशर और टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट हमारा है कंडेंसर की बात, क्या है, पंप, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 0.3 पर सैचुरेटेड लिक्विड है, यहाँ की इंथैल्पी, ठीक है, H3 प्लस पंप वर्क इक्वल टू किसका हो जाएगा, इंथैल्पी यहाँ पे 0.4 पे जो होगा, यानी H4 पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H3, ठीक है, प्लस WP इक्वल टू H4।
यहाँ से देखिए आप पंप वर्क फाइंड आउट हो गया हमारा, ठीक है। पंप वर्क फाइंड आउट करेंगे तो H3 माइनस H4 हो जाए, सॉरी पंप वर्क यही यही इधर आएगा ना, सॉरी, तो H4 माइनस H3 तो हमारा ये पंप वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर सोचोगे कि H4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो हम डाटा टेबल से H3 भी निकाल लेंगे, पंप वर्क भी, H4 कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ी देर में आपको बताते कि H4 हमको फाइंड आउट कैसे करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है बॉयलर। तो बॉयलर में क्या होगा, 0.4 पे जो इंथैल्पी होगा H4 और जो आप हीट ऐड कर रहे हैं दोनों का प्लस करने पे, ठीक है, किसके इंथैल्पी इक्वल होगा 0.1, यानी जहाँ पे टरबाइन में इंटर कर रहा है यानी H1। तो ये H4 प्लस QS इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, सप्लाइड हीट। तो आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से सप्लाइड हीट, पंप वर्क, रिजेक्टेड हीट और टरबाइन वर्क, इस चारों का एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद देना, एच जो है वो इंथैल्पी के लिए और जो आपका सफिक्स 2, 3, 4 जो भी लगा हुआ है स्टेट को डिनोट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है इफिशियंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा एम है, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है नेटवर्क डाउन। अब नेटवर्क डब्लू नेट, नेटवर्क कितना होगा बताइए, टरबाइन वर्क और ये हमारा है पंप वर्क। आप जानते हो थ्योरेटिकली जो होता है एक्सपेंशन प्रोसेस में हमारा टरबाइन वर्क जो होगा वो कंपेरिजन विथ रिस्पेक्ट टू पंप वर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन के कंपेरिजन में एक्सपेंशन में थ्योरेटिकली, ठीक है, मैक्सिमम होता है। जैसा कि आपने यहाँ आप देख रहे हो टरबाइन का, ठीक है, डायग्राम यहाँ आप देख सकते हो और ये हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, टरबाइन वर्क माइनस हो जाएगा पंप वर्क, तो ये हमारा नेटवर्क हुआ। तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना, इफिशियंसी, ठीक है, रैंकाइन साइकिल का। तो रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी का क्या होता है फार्मूला, आप जानते हो कि नेटवर्क को डिवाइड किससे करेंगे, सप्लाई हीट से, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं नेटवर्क बाई QS, ठीक है। आप ये भी जानते हो नेटवर्क का एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हो, WT माइनस WP बाई QS। आप इसे इंथैल्पी के टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। टरबाइन वर्क अभी आपने जस्ट फाइंड आउट किया है, टरबाइन वर्क WT H1 माइनस H2, इसे हम लिख सकते हैं H1 माइनस H2, ठीक है, माइनस। और पंप वर्क का क्या है हमारा, H4 माइनस H3, तो लिख सकते हैं यहाँ पे H4 माइनस H3 डिवाइड करेंगे और सप्लाइड हीट को भी इंथैल्पी के टर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो सप्लाइड हीट हमारा ये H1 माइनस H4, क्या हम इसे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, H1 माइनस H4, ठीक है, माइनस H2 और माइनस H3, इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस H2 माइनस H3 को डिवाइड करेंगे H1 माइनस H4, ओके। तो ये हमारा इफिशियंसी। यहाँ पर हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं, ठीक है, H2 माइनस H3 इंथैल्पी के टर्म में देखिए, H2 माइनस H3 QR, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पर QR डिवाइड करेंगे H1 माइनस H4, किसका है भाई एक्सप्रेशन, QS का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे QS। तो इफिशियंसी अगर आपको हीट और सप्लाइड हीट और रिजेक्टेड हीट के टर्म में सिर्फ एक्सप्रेशन या डेटा दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, तो आप ये एक्सप्रेशन के थ्रू भी इफिशियंसी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो QS माइनस QR, ठीक है, किसके इक्वल हो गया जी,
डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी नेटवर्क के इक्वल, यानी नेट हीट जो है वो हमारा नेटवर्क के इक्वल है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में। तो क्या ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकेंड लॉ को फॉलो करता है? तो हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, देख सकते हैं हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जेली जो हमेशा होता है, ठीक है, वो आपका टर्बाइन वर्क जो है डब्लू टी, ठीक है, डब्लू टी के कंपेरिजन में डब्लू पी जो होता है वेरी लेस देन होता है, ठीक है, थ्योरेटिकली। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कुछ समय क्या किया जाता है, बहुत सारे केस में हम क्या करते हैं, पंप वर्क को टर्बाइन वर्क के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अगर हम पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पंप वर्क ये हमारा, और मैं इसे निग्लेक्ट कर देती हूँ, तो H4 जो है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, H3 का। अगर पंप वर्क आप नेग्लेक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, H4 इक्वल टू H3। ये सिर्फ इस केस में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो इफिशियंसी होगा, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा रेनकाइन साइकिल का, हम चेंज लिख सकते हैं, यहाँ पर आप आइए, ठीक है, इसको हम चेंज लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ देखना है, क्योंकि पंप वर्क तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, डब्ल्यू पी का एक्सप्रेशन। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा रिमेनिंग पोर्शन हमारा, H1 माइनस H2 को डिवाइड कर देंगे, H1 माइनस H4, ये हमारा इफिशियंसी हो जाएगा रेनकाइन साइकिल का, अगर आप पंप वर्क को नेग्लेक्ट करते हो तो, ठीक है। इस केस में आप ध्यान दीजिएगा, पंप वर्क फार लेस देन विथ कंपेरिजन टू टर्बाइन वर्क, इस केस में हमारा क्या हो जाता है, H3 इक्वल टू H4। अगर इस पे आप भी ऐड करोगे H3 इक्वल टू H4, तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव जीरो हो जाएगा, सिर्फ आपका यही पोर्शन बचेगा, तो आपका यही अप्रॉक्सीमेटली इफिशियंसी होगा। समटाइम्स हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना है हमें, ठीक है, यहाँ पर H1 और ये H2 इंथैल्पी टर्म में, तो अगर आपको H1 दिया हुआ हो और H2 फाइंड आउट कैसे करोगे, ठीक है, जब H1 दिया हुआ तो H2 को फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये कौन सा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस 1-2-2। तो हम क्या करते हैं, एंट्रोपी H1 और H2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो TS डायग्राम है तो सेम होगा, S1 यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, S1 प्रोसेस S1 इक्वल टू H2 हो जाएगा, ठीक है, और आप जानते हो H1 कहाँ पर है हमारा, किस लाइन पे है, सेचुरेटेड वेपर लाइन पे, ठीक है, और ये जो है ये हमारा कौन सा रीजन में है, वेटेड रीजन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्राइनेस फ्रैक्शन यूज होगा, जैसा कि आप लोग प्योर सब्सटेंसेस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं H1 का हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू स्टीम टेबल से मिल जाएगा, और H2 को कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा कौन से टर्म में है, दो फेज में है, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड फेज और ये हमारा है गैस यानी वेपर, तो ये इंटरमीडिएट हो गया हमारा फ्रीजिंग और G4 गैस दोनों का है, तो ये Fg के टर्म में होगा। तो यहाँ पर H2 को लिखने के लिए हमको क्या लिखना होगा, SF+X, ठीक है, SFg, यानी इस पॉइंट को निकालने के लिए ये हमारा SF सेचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, 0.3 पे, और ये हमारा हो गया SFg, और X जो होता है वो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन है। तो इसके थ्रू क्या करोगे आप देख सकते हो स्टीम टेबल से सेचुरेटेड लिक्विड का भी हमें आराम से मिल जाएगा SF का वैल्यू, ठीक है, और S1
एश वन का भी वैल्यू मालूम है, हमको एस एफ का भी वैल्यू मालूम है, ठीक है, एस एफ जी भी डेटा हम स्टीम टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे इस प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है, तो एस एफ जी का भी वैल्यू मालूम है, तो अननोन कौन सा है हमारा, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो आप इस इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करोगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन। जब ये ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लोगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेन पर्पज है एच टू। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर एच टू, अब एच टू को फाइंड आउट करेंगे तो एच टू इक्वल टू भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें फाइंड आउट करना है, एच एफ यानी कि सैचुरेट लिक्विड पॉइंट पे यहाँ पर हमारा हो गया एच एफ, और एच एफ जी इसी प्रेशर टेम्परेचर पे स्टीम टेबल से देखेंगे क्या वैल्यू है, ड्राइनेस फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर ही चुके हो, वैल्यू पुट करो एच टू फाइंड आउट करो, ठीक है, तो आपको एच टू का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे कि हम टू थ्री पे, तो आप देख ही रहे हो ये आप एच टू भी फाइंड आउट कर लिए, थ्री भी आप स्टीम टेबल से फाइंड आउट कर लोगे। अब रहा हमारा मेन इंपॉर्टेंट एच फोर कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टीम टेबल पे, क्योंकि ये ना तो सैचुरेट लिक्विड लाइन पे भी नहीं है और वेपर लाइन पे भी नहीं है, ठीक है, इसके लिए पंप वर्क यानी आप प्रोसेस थ्री टू फोर के हेल्प से फाइंड आउट करोगे। पंप वर्क, ठीक है, डब्ल्यू पी इसका तुम लोग फाइंड आउट किए थे एच फोर माइनस एच थ्री, एच फोर फाइंड आउट करना है हमको, तो इसके लिए सबसे पहले एच थ्री तो हमें मालूम है, नोन है, जैसा कि आप देख सकते हो सैचुरेट लिक्विड लाइन पे जो भी प्रेशर हुआ स्टीम टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एच फोर अननोन है और पंप वर्क भी अननोन है, तो हम क्यों नहीं सबसे पहले पंप वर्क फाइंड आउट करेंगे, अगर हम पंप वर्क फाइंड आउट करते तो ऑलरेडी हमारा एच फोर कैलकुलेट हो जाएगा, तो सबसे पहले हम पंप वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो आप जानते हो कि पंप जो है वो कौन से लिक्विड कैरी करता है, कौन सा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड को, ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल दैट मीन डेंसिटी क्या होगा उसका, कांस्टेंट होगा, यानी कि हम जब प्रेशर लो प्रेशर से हाई प्रेशर में पंप कन्वर्ट करता है, ठीक है, लो प्रेशर लिक्विड को हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करता है क्योंकि फीड करता है, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है और एंट्रोपी वो लिटिल चेंज होगा, यानी बहुत कम चेंज होगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस टर्म में जब हम एक रिलेशन आप जानते हो एंट्रोपी का हम लिखते हैं, ठीक है, टी डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी एच माइनस वी डी पी, ठीक है। तो अब ये बताइए टी डी एस डी एच माइनस वी डी पी, तो जब इंट्रॉपी हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पर चेंज इन इंट्रॉपी क्या हो जाएगा, जीरो, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका इंट्रॉपी कांस्टेंट है तो डी एस जो होगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, तो जीरो इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। ये ध्यान रखिएगा कि वर्क जो होता है आप फॉर्मूला दो पढ़े होंगे पी डी वी, और वर्क इज इक्वल टू वी डी पी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, वन मिनट, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी तब होगा, ठीक है, जब ये क्लोज सिस्टम होगा, अगर हमारा वर्क भी डी पी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तब होता है जब ये ओपन सिस्टम होता है, और पंप हमारा ओपन सिस्टम है तो क्या यूज होगा, भी डी पी होगा। अब नेक्स्ट, तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, डी एच माइनस भी डी पी, तो इसको डी एच इक्वल टू भी डी पी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको अब इंट्रीगेट करेंगे क्योंकि प्रोसेस मेरा कौन सा है, थ्री टू फोर, तो थ्री से फोर दोनों साइड आप इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो आप देख सकते हो थ्री टू फोर और थ्री टू फोर, तो इसको हम आप इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो एच फोर माइनस एच थ्री को जब इंटीग्रेट किए थ्री टू फोर से, ठीक है, तो क्या हमारा मिला बी थ्री, यानी थ्री बी जो है वो हमारा थ्री स्टेट पे है, तो बी थ्री, और ये पी फोर माइनस पी थ्री,
P4 और P3। एक मिनट ध्यान देना है हमें। P4 कौन सा प्रेशर है? ये बॉयलर प्रेशर, जिसे मैं P1 से इंडिकेट की हूँ, ठीक है। तो PV और P3, P3 कौन सा? 3 वाला, यानी ये वाला, ठीक है। इस पर जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर है? कंडेंसर प्रेशर, जिसको P2 से डिनोट किया गया है। तो ये हमारा P3 को मैं PC हम लोग लिख सकते हैं। तो H4 माइनस H3 क्या हो जाएगा? B3 लिखेंगे। और ये हम PV को P1 और PC को P2, इस तरह से। और आप एक चीज़ जानते हो कि H4 माइनस H3 कुछ याद आया आप लोगों को? अब भी आपने ड्राइव किया था, H4 माइनस H3 किसका है? पंप वर्क का। जैसे कि आप देख रहे हो पंप वर्क H4 माइनस H3। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं WP H4 माइनस H3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V3 P1 माइनस P2। अब देखिए आपका नोन, V3 भी नोन है, P1 भी नोन है और P2, तो आप इससे H4 फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि H3 तो ऑलरेडी आपका नोन है। तो जब यहाँ पर पंप वर्क भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो आप देख रहे हो H4 का कैलकुलेशन आपका हो गया। तो इस इक्वेशन से हम डिराइव कर सकते हैं H4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, H4 प्लस H3 लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू ये V3 P1 माइनस P2 प्लस H3, H3 प्लस V3 P1 माइनस P2 H4। तो किसी भी थर्मल प्लांट का, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का जो कैपेसिटी होता है, ठीक है, उसको हम स्टीम रेट के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो रेट ऑफ स्टीम फ्लो, ये आपका किलोग्राम पर आवर है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट शाफ्ट आउटपुट, यानी 1 किलो वाट। तो स्टीम रेट क्या हुआ हमारा? फार्मूला है 1 डिवाइडेड है टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क, ये हमारा यूनिट हो गया केजी पर किलो जूल, और 1 किलो जूल पर सेकेंड डिवाइड 1 किलो वाट। जब आप इसे एक्सप्रेशन को लिखोगे, सिर्फ यूनिट को देखिए, ठीक है, डिराइव करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3600 डिवाइडेड WT माइनस WP, किलो जूल पर किलो वाट आवर, यानी ये जो सेकेंड है, ठीक है, उसको आप आवर में चेंज करें, 3600 से यहाँ पे इसलिए आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टीम रेट। और एक दूसरा जो हमारे जनरली न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, वो टर्म आता है हीट रेट। तो हीट रेट का डिफिनेशन है रेट ऑफ हीट इनपुट, यानी जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट किसे? 1 किलो वाट, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो स्टीम रेट में आपने देखा था कि वहाँ पर था प्रोड्यूस यूनिट शाफ्ट आउटपुट, यानी कि वहाँ पर टर्बाइन वर्क था। शाफ्ट यूनिट शाफ्ट मतलब क्या हुआ? शाफ्ट वर्क एक तरफ से कहे तो वो हो गया टर्बाइन वर्क। तो यहाँ पर जो है हमारा वर्क आउटपुट है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? स्टीम रेट में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सप्लाई हीट से, तो वो हमारा हो गया हीट रेट। तो हम इस तरह से हीट रेट को लिख सकते हैं, ठीक है, हीट रेट इक्वल टू सेम 3600 डिवाइडेड करेंगे टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमको? सप्लाई हीट से, QS से। तो ये जो होगा ये हमारा होगा हीट रेट, और इसका यूनिट क्या होगा? किलो जूल, ठीक है, पर किलो वाट आवर। इस तरह से आप एक बात और ध्यान रखना है, 3600 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3600 और QS को डिवाइड करेंगे WT माइनस WP से। तो क्या ये 3600 और ये जो हमारा है ये आपका क्या है? QS यानी WT या नेटवर्क किससे हो रहा है डिवाइड? सप्लाई हीट से, यानी इफिशियंसी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/ इफिशियंसी किसका? रेनकाइंड साइकिल का।
तरह से भी लिख सकते। तो आप देखियो जो भी आपके न्यूमेरिकल का डेटा होगा, जो फॉलो होगा वो आप फुल कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देखने आपने देखा अगर हमारा सप्लाई हीट पंप वर्क और टर्बाइन वर्क दिया हुआ, तो ये आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए। अगर सिर्फ आपको इफिशियंसी दिया और हीट रेट निकालना है, तो हम हीट रेट उस वक्त इस फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। और यूनिट आपको मालूम ही है, किलो जूल पर किलो वाट आवर। तो इस तरह से हमारा इस लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर है, इसमें मैंने इफिशियंसी ऑफ रेनफाइन साइकिल, स्टीम रेट, हीट रेट, ये सारे एक्सप्रेशन जो है डिराइव किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।